ऐसे बोल रहे अभी शाम को यहाँ खाना खा जाते, अब बताओ यहाँ बंद हो जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बताइए। और घर में अभी बताओ बच्चे हैं सब लोग, खर्चा है कि नहीं, बच्चे रोते 5 रुपए दे दो, वो भी नहीं है मेरे घर पे, बोलो हैं। जो आटा 2-4 किलो उस दिन मिल गया था ये पंचायत में, ये अंकल जी दे के आए थे, बस वही आटा है, किसी ने आटा नहीं दिया, कुछ भी नहीं है, बोलो। हम यहाँ रो रहे हैं, परदेश हम पड़े हैं, घर पे भी नहीं जा पा रहे हैं। हम 20 दिन से साहब यहाँ अच्छी तरह से खाना मिल रहा है हमको, और बढ़िया खाना खाते हैं, शाम को हम जाके साबुन से हाथ धो के, बाकी के ये कह रहे हैं अपने के कल से खाना नहीं मिलेगा, तो बताओ हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। आदि ये खाना बंद हो जाएगा तो ये जनता क्या खाएगी, आदि इतने हो जाती शासन का दाग खिलाती ये ना, तो वे गांव बस्ती वाले क्यों खिलाती। अब जो गरीब आदमी मजदूरी है नहीं, पैसे पास में है नहीं, अब क्या खाएंगे साहब जी बताओ। हम कहीं भी खाना बांटने के लिए हमने सोचा है कि हम पैकेट पैक करके और खाना बांटने जाएं, तो खाना बांटने जाते हैं तो वहाँ पे लोकल आदमी ही ले लेते खाना, इनके पास तो बेचारे पास पहुँचता नहीं है, इनको कौन पूछेगा, इनके पास नहीं पहुँचता। ये लोग कौन है? ये लोग सब बाहर के हैं, ये गरीब तबके के लोग हैं और लेबर क्लास है, रिक्को के भी हैं और यूपी बिहार अपने भरतपुर इधर के हैं, ये गाँव जा नहीं सकते तो यही रह रहे किराए, सबने स्टार्ट नहीं किया, मगर हमने आज डिसाइड किया जो 10-15 लोग हैं भाई, एक भी अगर पॉजिटिव आ गया ना तो सारी उंगली हमारे ऊपर उठेगी और गांव वाले भी ये कहेंगे भाई इन्होंने ऐसा कुछ किया तो गलत हो जाएगा, हमारे साथ भी गलत हो जाएगा। फिर अगर बाद में अगर कोई संस्था या कोई गांव वाले या सरपंच या प्रशासन हमें बोलता है तो हमारे पास गेहूँ भी है, आटा मतलब आटा भी है, सिलेंडर भी है, तेल भी है, सब व्यवस्था है, हम वापस ला सकते हैं, वापस चालू कर देंगे। हमारे पास हलवाई पैसे नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारे टेंट का पैसा नहीं लग रहा, हलवाई को पैसे नहीं लग रहे, पैक करने वालों को पैसे नहीं लग रहे, सब हम सब खुद काम कर रहे हैं। कल से यहाँ जो भोजन व्यवस्था चल रही है उसको बंद कर रहे हैं, प्रशासन का ऐसा आदेश है कि बंद कर दो, आपकी रिसक पे चलाओ। लगभग कितने लोगों को भोजन दिया जाता था? 900 आदमी है कम से कम, रोज हम 900 आदमियों को, 15 आदमी हम हमारे इकट्ठे करते हैं पैसे सब कुछ, उनको खाना खिलाते हैं हम।